दोस्तों, हर साल फरवरी के महीने में होता है MWC का इवेंट यानी मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस, जिसमें कई सारी कंपनी अपने नए नए स्मार्टफोन को शो करती है, लॉन्च करती है, अनवील करती है। तो दोस्तों, फरवरी के महीने में कई सारे फ़ोन लॉन्च किए जाएंगे, जिसमें मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को 10 ऐसे अपकमिंग स्मार्टफोन बताऊंगा जो कि ग्लोबली और इंडिया में लॉन्च किए जाने वाले हैं, जिसके बारे में मैं आप लोगों को स्पेसिफिकेशन, डिटेल और एक्सपेक्टेड प्राइस के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग जो है एंड तक देखते रहिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक एंड शेयर करने के साथ हमारे चैनल एडिटेक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को बिना किसी देरी करते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, मोटोरोला की कंपनी 7 फरवरी को ब्राजील में मोटो G7 सीरीज के फोन को लॉन्च करेगी। मोटो G7 सीरीज में टोटल 4 फोन आते हैं, जिसमें आपको मोटो G7, मोटो G7 प्लस, मोटो G7 पावर और मोटो G7 प्ले स्मार्टफोन है। सभी फोन में आपको इस बार जो है नॉच डिस्प्ले मिलेगा। मोटो G7 और G7 प्लस में आपको जो है ड्यूल रियर कैमरे के साथ वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले मिलेगा। प्रोसेसर जो है वो बताया जा रहा है कि आपको स्नैपड्रैगन 636 या फिर 660 का देखने मिले। वही मोटो G7 पावर स्मार्टफोन जो है उसमें आपको 5000mAh की बैटरी और स्नैपड्रैगन 632 का प्रोसेसर मिल सकता है। और जो मोटो G7 प्ले स्मार्टफोन होगा वो अंडर 10,000 rupees में लॉन्च किया जा सकता है, जिसमें आपको स्नैपड्रैगन 625 या फिर 632 का प्रोसेसर मिलेगा। ये सभी फोन जो है इंडिया में बताया जा रहा है कि मार्च, अप्रैल या फिर जून के महीने तक लॉन्च किए जाएंगे। दोस्तों, Xiaomi ने Redmi Note 7 स्मार्टफोन को 10 जनवरी को चाइना में लॉन्च किया था और Xiaomi इंडिया ने कंफर्म किया है कि ये फोन जो है जल्दी इंडिया में लॉन्च किया जाएगा। हो सकता है ये फोन फरवरी के फर्स्ट या सेकेंड वीक में लॉन्च किया जाए। ये फोन जो है चाइना में काफी एग्रेसिव प्राइस रेंज में लॉन्च किया गया था, स्पेसिफिकेशन आपको काफी बढ़िया मिल रहे थे। अगर मैं आपको Xiaomi Redmi Note 7 स्मार्टफोन के की हाइलाइटिंग फीचर्स की बात करूं, तो इस फोन में आपको जो है 48 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, उसमें आपको स्नैपड्रैगन 636 का प्रोसेसर दिया गया है। डिजाइन फोन का काफी अच्छा है, डिस्प्ले अच्छा मिलता है, जिसमें आपको बेजललेस डिस्प्ले मिलता है नॉच डिस्प्ले के साथ। बैटरी आपको 4000mAh की मिलती है, USB टाइप सी पोर्ट के साथ आपको फास्ट चार्जिंग की टेक्नोलॉजी मिलती है। अगर ये फोन चाइनीज प्राइस के हिसाब से ही इंडिया में लॉन्च होता है तो काफी सही रहने वाला है। मिड रेंज प्राइस रेंज में ये फोन जो है काफी सही रहेगा। दोस्तों, Xiaomi Redmi Note 7 के साथ Redmi Go फोन को भी लॉन्च कर सकती है, जो कि Xiaomi की तरफ से पहला फोन होगा Android Go एडिशन वाला। वैसे मैं आपको बता दूं कि Android Go एडिशन वाले बहुत से फोन पहले ही लॉन्च हो चुके हैं, लेकिन कोई भी फोन आपको वैल्यू फॉर मनी स्पेसिफिकेशन नहीं प्रोवाइड करते। Redmi Go एडिशन फोन जो है स्पेसिफिकेशन के साथ फिलीपींस के Facebook पेज पे जो है लिस्टेड किया गया था। अगर मैं आपको स्पेसिफिकेशन बताऊं तो इस फोन में आपको जो है 5-inch का HD डिस्प्ले मिलता है, फोन में आपको स्नैपड्रैगन 425 का प्रोसेसर मिलता है। Android Go एडिशन के साथ फोन आता है, यानी आपको Android Oreo के साथ Android Go एडिशन वाले सभी एप्लीकेशन मिलते हैं। फोन में आपको 1GB का RAM, 8GB का ROM मिलता है, 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, 8 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, 3000mAh की बैटरी मिलती है। अगर इस फोन के एक्सपेक्टेड प्राइस की बात करूँ तो Redmi Go एडिशन फोन जो है 4000 से लेकर 5000 रुपए के बीच में लॉन्च किया जा सकता है। दोस्तों, Xiaomi अपने Redmi Note 7 के अपग्रेड वर्जन Xiaomi Redmi Note 7 Pro को जो है चाइना में चाइनीज न्यू ईयर फेस्टिवल, जो कि फरवरी में होता है, उस समय लॉन्च करने वाली है। इस फोन के लिए कई सारे रूमर्स एंड लीक स्पेसिफिकेशन पहले ही आ चुके हैं। ज्यादातर स्पेसिफिकेशन आपको Xiaomi Redmi Note 7 की तरह ही मिलेंगे, लेकिन आपको जो कैमरा मिलेगा वो 48 मेगापिक्सल का मिलेगा, जो कि सोनी के सेंसर के साथ आएगा। और जो प्रोसेसर दिया जाएगा वो स्नैपड्रैगन का 675 का प्रोसेसर मिलेगा, जो कि 11 नैनोमीटर पे बना हुआ प्रोसेसर है। यह प्रोसेसर जो है 660 के मुकाबले काफी ज्यादा पावरफुल और बैटरी इफिशियंट प्रोसेसर है। दोस्तों, पिछले महीने के यानी जनवरी के अपकमिंग स्मार्टफोन में मैंने आपको बताया था कि नोकिया का 9 प्योर व्यू स्मार्टफोन आएगा, लेकिन उस फोन को मेन करके 2018 में लॉन्च होना था, लेकिन डिले होते होते अब ये फोन जो है फरवरी में लॉन्च किया जाएगा। बताया जा रहा है कि जो नोकिया 9 प्योर व्यू स्मार्टफोन है वो आपको 24 फरवरी को देखने मिलेगा। 24 फरवरी को ये फोन लॉन्च किया जाएगा और नोकिया 9 के इस फोन में आपको जो है पेंटा कैमरा सेटअप देखने मिलेंगे, यानी आपको जो है 5 रियर कैमरा सेटअप दिया जाएगा। इस फोन के में आपको जो है सभी स्पेसिफिकेशन फ्लैगशिप लेवल के मिलने वाले हैं। हो सकता है आपको स्नैपड्रैगन 845 का चिपसेट देखने मिले, और इस फोन का जो है एक हायर वेरिएंट भी हो सकता है, जो कि स्नैपड्रैगन 855 के साथ आएगा, जो कि 5G फीचर के साथ आएगा। दोस्तों, नोकिया 9 प्योर व्यू स्मार्टफोन के साथ जो एक कंपनी नोकिया 6 2019 वाले मॉडल को भी लॉन्च कर सकती है।
जिसका नाम हो सकता है नोकिया 6.2, क्योंकि आपको इसमें जो है 6.2 इंच का पंच होल वाला डिस्प्ले मिलता है, जो कि सेम डिस्प्ले आपको हॉनर व्यू 20 में मिलता है। बताया जा रहा है कि ये फोन जो है मिड रेंज प्राइस रेंज में लॉन्च किया जा सकता है, जिसमें आपको बेजलेस डिस्प्ले के साथ जो है स्नैपड्रैगन 632 का प्रोसेसर मिलेगा, आपको इसमें ड्यूल रियर कैमरा का सेटअप दिया जाएगा, बैटरी भी आपको इसमें अच्छी मिलेगी और ज़ाई सेंसर के साथ आपको जो है कैमरा सेटअप दिया जाएगा। दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी S10 सीरीज के फोन जो है 20 फरवरी को अनवील किए जाएंगे और इस फोन के सीरीज में आप टोटल जो है 3 फोन लॉन्च किए जाने वाले हैं, जिसमें सैमसंग गैलेक्सी S10, S10 प्लस और S10 लाइट स्मार्टफोन होंगे। इस बार जो है फोन में आपको इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले देखने मिलेगा और पिछले कुछ दिनों से इस फोन के लिए काफी ज्यादा रूमर्स एंड लीक स्पेसिफिकेशन पहले ही आ चुके हैं। आपको बता दूं कि S10 और S10 प्लस में तो आपको जो है ट्रिपल रेयर कैमरा का सेटअप मिलेगा, लेकिन आपको जो है S10 प्लस में तो ड्यूल फ्रंट कैमरा देखने मिलेगा, जो कि आपको डिस्प्ले पे ही इन्फिनिटी ओ टाइप में मिलेंगे। आपको जो है सभी फोन में जो है फ्लैगशिप लेवल के स्पेसिफिकेशन दिए जाएंगे। फोन में आपको स्नैपड्रैगन 855 का चिपसेट मिल सकता है, आपको जो है इसमें 5G फीचर के साथ फोन आ सकता है। तो देखते हैं आने वाले समय में ये फोन जो है किस स्पेसिफिकेशन के साथ लॉन्च किए जाते हैं। दोस्तों ओप्पो की कंपनी 23 फरवरी को जो है अपने ओप्पो F19 और F19 प्रो को लॉन्च करेगी, जिसमें बताया जा रहा है कि आपको जो है 10x ऑप्टिकल जूम की टेक्नोलॉजी में मिलेगी। इससे पहले जो है ओप्पो की कंपनी ने ही 5x ऑप्टिकल जूम पे भी काम किया था, जो कि 2017 में काम किया था, लेकिन उस पर जो है कोई भी फोन लॉन्च नहीं किया। लेकिन इस बार जो है इस टेक्नोलॉजी के साथ जो है ओप्पो का फोन आने वाला है और बताया जा रहा है कि ये जो फोन होगा ये कैमरा सेंट्रिक फोन होगा। तो देखते हैं आने वाले समय में ओप्पो F19 में बाकी सभी स्पेसिफिकेशन आपको क्या देखने मिलते हैं। दोस्तों मीजू के फाउंडर ने ये कंफर्म किया कि मिड फरवरी में चाइना में मीजू का नया फोन लॉन्च किया जाएगा, जो कि 48 मेगापिक्सल के कैमरे के साथ लॉन्च किया जाएगा। हो सकता है ये फोन जो है मीजू M9 नोट स्मार्टफोन हो, जिसमें आपको 48 मेगापिक्सल के साथ जो है ये फोन मिड रेंज प्राइस रेंज में लॉन्च किया जाएगा। बताया जा रहा है कि इस फोन में आपको जो है स्नैपड्रैगन 675 का प्रोसेसर मिलेगा, जो कि सेम प्रोसेसर आपको Xiaomi के Redmi Note 7 Pro में भी मिलने वाला है। दोस्तों 2019 के फर्स्ट क्वार्टर में Realme की कंपनी अपने 1-2 फोन को लॉन्च करने वाली थी और लास्ट टीजर को देख के भी लग रहा था कि Realme की कंपनी अपने नए फोन को जल्दी लॉन्च करेगी, लेकिन वो जो फोन है वो Realme C1 का जो है हायर वेरिएंट है, यानी 3GB 4GB रैम वेरिएंट फिलहाल लॉन्च किया जाएगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि Realme की कंपनी फरवरी के मिड में अपने नए फोन को लॉन्च करने वाली है, जो कि हो सकता है Realme A1 फोन हो या फिर Realme 3 फोन हो, जो कि मिड रेंज प्राइस रेंज में लॉन्च किया जाएगा। Realme A1 फोन जो है Realme U1 स्मार्टफोन से कम प्राइस रेंज में लॉन्च किया जाएगा, यानी वो फोन जो है 9000 टू 11000 रुपीस के बीच में होगा, जिसमें आपको MediaTek का Helio P60 या P70 का प्रोसेसर देखने मिले और बाकी सभी स्पेसिफिकेशन भी आपको इस फोन में सही देखने मिलेंगे। उसके अलावा अब जो है मिड फरवरी में Realme 3 फोन भी लॉन्च किया जा सकता है, जिसमें आपको बताया जा रहा है कि 48 मेगापिक्सल का कैमरा देखने मिले, प्रोसेसर भी उस फोन में काफी सही रहने वाला है। तो दोस्तों इन सभी स्मार्टफोन में से आप जो है किस फोन का जो है बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, आपकी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। तो दोस्तों आज का इन्फॉर्मेशनल वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले और ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल Editech को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय फ्रेंड्स। We'll be right back.